कोई राष्ट्रपति भवन के अंदर बेड पर जमकर धमाल चौकड़ी मचा रहा है। तो कोई जमकर तोड़फोड़ कर रहा है। कोई प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ रहा है। तो कोई राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में गोते लगा रहा है। जी, ये श्रीलंका है, यहाँ क्या हो रहा है? ये तस्वीरें श्रीलंका की हैं, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ और दिल में गुस्से का गुबार, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। एक बार फिर से जनता के सब्र का बांध टूट गया। श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त जनता ने सड़कों पर उतर कर राजपक्षे के आवास पर ही कब्जा कर लिया। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे स्विमिंग पूल में लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ बेड पर धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर से ही जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वो सबको हैरत में डाल रहे हैं। हर तस्वीर में प्रदर्शनकारी खूब हुड़दंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्विमिंग पूल, किचन, बेडरूम, लॉन, सब जगह प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन के अंदर बेड पर जमकर किस तरह से हुड़दंग मचाया जा रहा है, अब वो भी देखिए। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं। इससे पहले उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की, लेकिन कुछ काम नहीं आया, गोलियां तक चलानी पड़ी। वैसे तो प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्षे से मार्च से ही इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वहीं राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग गए। चलिए, अब विवाद क्या है इसे भी समझ लीजिए। दरअसल इससे पहले भी 11 मई को श्रीलंका में आर्थिक संकट पर उग्र भीड़ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर भाग गए थे। उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था और जमकर तोड़फोड़ भी की थी। वहीं इस वक्त श्रीलंका का आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, जिससे सरकार ने एहतियात बरतते हुए 15 जुलाई तक सभी स्कूलों के साथ साथ 4 स्टेट यूनिवर्सिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इन तमाम वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर तक जा घुसी। कोई बेडरूम में घुसकर बिस्तर पर उछल कूद कर रहा है, तो कोई किचन में घुसकर खाना बना रहा है, तो कुछ लोग सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ स्विमिंग पूल में नहाते हुए तक दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेना, ये तस्वीरें किसी भी देश के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। जब किसी लोकतांत्रिक देश में लोग ही तंत्र को हाथ में ले लें, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात खराब होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक संकट के बीच प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेना कितना जायज है, जरा सोच कर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।